तीन फरवरी 2018 को क्या हुआ था कैसे गोली लगी थी सर तीन फरवरी 2018 को मेरी बहन की लगन सगाई थी चाचा की लड़की की गाज़ियाबाद में मैं लगन सगाई करके वहाँ से वापस आ रहा था अपने दोस्तों के साथ और जस्ट बर बराबर में ही मैं अपने दोस्तों को ड्रॉप करने गया था तो वहाँ पे ब्रेजा लाल कलर की ब्रेज गाड़ी में चार पुलिस वाले जो ड्रिंक कर रहे थे दारू पी रहे थे तो मैंने उनको अंदर थे मैंने पता नहीं था कि पुलिस वाले तो मैंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी अपने दोस्तों को ड्रॉप करने के लिए वहाँ पर तो मेरे दोस्तों ने जो थोड़ी ड्रिंक व्रंक करा रख दी उन्होंने म्यूजिक चला दिया तो अंदर से जो पुलिस वाले निकल के आए और मुझसे कहने लगे यहाँ क्या कर रहे हो हु। मैंने कहा सर ऐसे जैसे दीदी की शादी थी वहाँ से आई अभी तो उन्होंने कहा तुम लोगों को पता नहीं है कि योगी जी का आदेश है कि नौ बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते मैंने कहा सर ऐसा तो कोई आदेश मैंने सुना नहीं है और सर बिल्कुल जस्ट बराबर में मेरा घर है और यहीं पे मेरी जिम है मेरी आठ दीदी की शादी थी वहाँ से आए ये दोस्त थे इन्होंने ड्रिंक व्रिंक कर ली इनको थोड़ा छोड़ने आया हूँ तो सर इसी बात पे वो जो कहा सुनी से होने लगी उसने मुझसे कहा क्या क्या नाम है तेरा मैंने कहा सर जितेंद्र यादव कहने लगा अच्छा यादव है तुम यादव जो अकली इसको आते ही सब जो अपनी अपनी, अपनी बदमाशी चलाते हो मैंने कहा बदमाशी थे तो सर मेरे दूर दूर तक को लेना नहीं देना नहीं है मैं तो जिम ट्रेनर हूँ जिम का ओनर हूँ अपनी जिम चलाता हूँ लोगों की सेहत बनवाता हूँ सर इसी बात पर उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी उल्टी सूदी गाली वाली गुफ्तार करने कर, लगा कहने लगा गाड़ी में बैठो चौकी पे चलो मैंने मैंने रिक्वेस्ट करी मैंने सर चौकी पे दस बजे क्या ज़रूरत है जाने की नहीं। नहीं। गलती होगी चलो आगे से जो ये म्यूजिक व्यूजिक चलाए आगे से नहीं चलाएंगे गलती होगी सर इसी बात पे वो जबरदस्ती करने लगा कलो कर चौकी पे चलो मैंने कहा चलो चौकी पे चलते हैं तो सर उसने ड्रिंक करा की थी वो मुझसे कह रहा गाड़ी की चाबी दे मैंने उससे कहा सर आपने ड्रिंक करा के मैं आपको चा भी नहीं दूंगा आप गाड़ी में बैठ जाओ मैं आपके साथ चल रहा हूँ उन्होंने कहा नहीं चा भी दे तो सर वो चाभी के ऊपर बहस करने लगा मैंने उसको चा भी नहीं दी तो सर उन्होंने वो लगा रखी थी पिस्टन तो उन्होंने पिस्टन कोक करके मेरे यहाँ माथे पर रख दी उसने कहा चा भी दे रहा नहीं दे रहा मैंने सर कभी ज़िंदगी में पुलिस वालों से वास्ता नहीं पड़ा डर के उन्होंने मेरे यहाँ लगा दी मैंने डर के चा भी दे दी मैंने कहा चलो चौकी पे तो चाह रहे हैं तो सर उन्होंने चा भी ली चौकी हमारी इधर लेफ्ट साइड में वो इधर शमशान रोड पे ले जाने लगे मैंने कहा सर चौकी तो इधर है आप इधर कहाँ ले जा रहे हो तो सर वो रास्ते में तीन पुलिस वाले थे गाड़ी में मेरी में स्कॉर्पियो में और तीन हम थे एक मैं और दो दोस्त मेरे वो सर गाली गुफ्तार देने लगे तो कार आते ही बहुत दबंग बन जाते हो और वो मैंने कहा सर मेरे तो बदमाशी से किसी चीज़ से आज तक चौकी पर एक रिपोर्ट भी नहीं होगी मेरी क्या मेरे पूरे परिवार की रिपोर्ट नहीं होगी आज तक तो सर नोरे तुम सब एक ही वो होते हो और ये वे तुम्हारी बदमाशी छुटा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा सर वो गाड़ी में अंधेरे में गाड़ी लगा के मार पिटाई करने लगे दारू पी रखी तो बहुत एक एक पुलिस वाला आगे से मार दे आगे से देखें तो पीछे से मार दे मतलब ऐसा पागल सा बना दिया अंधेरे में गाड़ी खड़ी करके कोई इधर से मार रहा कोई उधर से मार रहा हमको तो मैंने कहा सर मैं कोई बदमाश हो तो तुम इस तरह रात को दस बजे अंधेरे में गाड़ी खड़ी करके इस 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 तरह मार पिटाई कर रहे हो अरे तुम्हारी यादव गिरदी निकाल दूंगा और वो निकाल दूंगा अब पता नहीं किस याद हमने उसके साथ क्या बुरा करा क्या नहीं पता नहीं जो मुझ मेरे साथ ये व्यवहार कर रहा था सर पर बहुत ज़्यादा मार पेटे करने लगा फिर वो सिलो सिलो पहले घेर में गाड़ी को चलाने लगा मैं उसे कह रहा सर आप इधर कहाँ ले जा रहे हो उधर कहाँ पे लेके जा रहे थे इधर पुशते के पास उधर शुमशान रोड में जहाँ कब्रस्तान वहाँ पे पब्लिक वाले आती जाती नहीं है मैंने कहा आप इधर कहाँ लेके जा रहे हो चौकी तो उधर मैंने बात रिक्वेस्ट करी लेकिन वो बात वो गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं था तो सर मैं पीछे बैठा हुआ था और विजय दर्शन शर्मा पुलिस वाला जो था वो ड्राइव कर रहा था तो उसने पिस्टन जो पहले ही कोक कर ली थी जब चाबी ली थी मुझसे तो उसने पिस्टन जो अपने पैर पर रख रखी थी और ड्राइव कर रखा था तो जैसे ही उन्होंने मार पिटाई गाड़ी में करी थी तो मैं गाड़ी का खेत खोल के मैंने कहा सर मैं कोई बदमाश थोड़ी आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हो मैं तो अपने घर जा रहा हूँ मैं सर गाड़ी में से निकलने लगा तो एकदम विजय दर्शन ने पिस्टन उठा के मेरा गोली मार दिया ऐसे करके बैठ रहा नहीं बैठ रहा एकदम से मेरे गोली जो है गर्दन चार पार निकल गई गर्दन पे गोली लगी गोली निशान है यहाँ से यहाँ से आर पार गोली पीछे से हड्डी देखो सब टूटी पड़ी है पीछे टांके आए हुए सारी कमर पर और सर उसके बाद मेरे दोस्तों ने शोर वोर मचाया गाड़ी के शीशे वीशे तोड़े फिर थोड़ी पब्लिक आई और सर फिर वो मेरे को जो छोड़ के भाग गया यह मीत है कि इसराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब लगा कि मुझको चांद लागे दो तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं तो औरंगजेब मत ना बाकी मसलों में नहीं कुछ तो हम कहेंगे ना कि पापा वार रुकवा दी भारत से जाएगा सीधे यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं दिया वो नक्शा गाजा से होते एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश की है तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी